लॉकडाउन में बोरियत मिटा देगी क्राइम पर आधारित यह 10 वेब सीरीज। यह वेब सीरीज आपको आसानी से नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार और बूट आदि पर मिल जाएगी। पाताल लोक, यह वेब सीरीज हाल में ही रिलीज किया गया था। 9 एपिसोड की यह वेब सीरीज दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर हाथी चौधरी के इर्द गिर्द घूमती है। बहुत दिनों से हाथीराम को कोई केस नहीं मिलता है और अचानक उसे एक फेमस टीवी रिपोर्टर को मारने की कोशिश करने पर हुए बवाल का केस मिल जाता है। इसी केस पर वह छानबीन करते हैं। इस वेब सीरीज में जयदीप अहलावत, नीरज कभी, अभिषेक बनर्जी मुख्य भूमिकाओं में है। आप इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। असुर, इस वेब सीरीज को पौराणिक मान्यताओं को ध्यान रखकर आज के समय से जोड़ा गया है। इस वेब सीरीज में एक सीरियल किलर है जो सीबीआई के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेलता है। इस वेब सीरीज में अरशद वारसी, रिद्धि डोगरा और वरुण सोबती मुख्य भूमिकाओं में है। इस वेब सीरीज को आप वूट सेलेक्ट पर देख सकते हैं। मिर्जापुर, यह वेब सीरीज अब तक की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वेब सीरीज में से एक है। इस वेब सीरीज में सभी कलाकारों का काम काफी पसंद किया गया है। पंकज त्रिपाठी अभिनीत इस वेब सीरीज में अली फजल, विक्रांत मिश्री जैसे सितारे भी हैं। एक बाहुबली नेता और उसकी फौज में दो शामिल नौजवान की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। इसे आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। द फैमिली मैन, यह वेब सीरीज एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में है जो रहस्यमय तरीके से इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभाता है। उसका काम अपने राष्ट्र को आतंक से सुरक्षित रखना है और साथ साथ अपने परिवारों को भी जोखिमों से बचाना है। इस वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी, प्रिया मणि, सारी भाषमी और श्रीकांत तिवारी आदि मुख्य भूमिकाओं में है। इस वेब सीरीज को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। स्पेशल ऑप्स, जासूसों पर आधारित यह वेब सीरीज है। यह वेब सीरीज भारत में हुए आतंकी हमलों के बारे में है। किस तरह से उस आतंकी को पकड़ते हैं आप इस वेब सीरीज में देख सकते हैं। इस वेब सीरीज में के मेनन, दिव्या दत्ता, रेवती पिल्लई, करण टेक्कर और विपुल गुप्ता मुख्य भूमिका में है। इस वेब सीरीज को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं। सेक्रेड गेम्स, सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत इस वेब सीरीज ने आते ही वेब सीरीज की दुनिया में धूम मचा दी थी। इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन भी आ चुका है। हालांकि यह वेब सीरीज गालियों से भी भरपूर है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हॉस्टेज, सुधीर मिश्रा द्वारा निर्देशित यह क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज एक सर्जन के इर्द गिर्द घूमती है जिसके परिवार को एक रात पहले बंधक बना लिया गया था क्योंकि वह मुख्यमंत्री के एक ऑपरेशन में शामिल होने वाली थी। टिस्का चोपड़ा, रोनित रॉय और प्रवीण डाबस जैसे कलाकारों से सजी यह वेब सीरीज आपका भरपूर मनोरंजन करेगी। इसे आसानी से आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दिल्ली क्राइम, निर्भया केस पर आधारित वेब सीरीज दिल्ली क्राइम आपको उन बातों से रूबरू कराती है जिनसे आप अनजान हैं। कैसे कुछ ही दिनों पुलिस इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों तक पहुंचती है और कैसे इस केस की एक एक परत खोलती है, यह सब कुछ आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगी। इसमें राशिका दुग्गल, आदिल हुसैन और शेफाली शाह ने जबरदस्त अभिनय किया है। यह वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। क्रिमिनल जस्टिस, सोचिए जो गुनाह आपने किया ही ना हो और उसके लिए अदालत आपको सजा सुना दे तो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी, आपका पूरा परिवार किन हालातों से गुजरेगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको क्रिमिनल जस्टिस में मिल जाएंगे। विक्रांत मिश्री, पंकज त्रिपाठी और जैकी श्रॉफ जैसे अभिनेताओं से सजी यह वेब सीरीज फुल पैसा वसूल है। आप इसे हॉटस्टार पर देख सकते हैं। ब्रीथ, रहस्य, रोमांच और सनसनी की पहली लंबी लकीर खींचने वाला वेब सीरीज ब्रीथ आपके अंदर रोमांच पैदा कर देगी। यह थ्रिलर ड्रामा सीरीज असाधारण परिस्थितियों का सामना करने वाला साधारण आदमी के जीवन के बारे में बताती है। सीरीज में एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर कबीर है जो अंगदान करने वाले लोगों की अचानक हुई मौत पर छानबीन करता है। उसका संदेह एक ऐसा व्यक्ति पर जाता है जो मरने वाले बेटे को बचाने के लिए दूसरे लोगों से कुछ अंग ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं। इसके बाद कबीर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाते हैं। मयंक शर्मा के निर्देशन में बनी इस सीरीज में आर माघवन और अमित साध मुख्य भूमिका में है। आप इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हैं। इन सभी वेब सीरीज में से आप कौन सी वेब सीरीज को देख चुके हैं कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद।